देखो रेडी तो बॉयज एंड गर्ल्स, देखिए आज का चैप्टर है हम लोग का फाइनेंशियल मार्केट, उच्च माध्यमिक बंगाल बोर्ड। चैप्टर का नाम क्या बाबू? फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल क्या बोलिए? मार्केट। तो भाइयों और बहनों सुनिएगा ध्यान से, फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है, फाइनेंशियल मार्केट किसको बोलते हैं, फाइनेंशियल मार्केट का क्या मतलब है, ये सब हम लोग आज पढ़ेंगे। प्लीज वार्तालाप मत करिए। देखिए तो आज का टॉपिक यहाँ से आगे हम लोग पढ़ रहे, सबसे पहले व्हाट इज फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है। भाई और बहनों मार्केट का मतलब क्या है? तो नॉर्मली हम लोग क्या समझते हैं, नॉर्मली मार्केट का मतलब होता है बाजार। क्या होता है बाबू? बाजार। क्या होता है बोलो? बाजार। नॉर्मली कोई भी मार्केट जब हम लोग कहते हैं, मार्केट का मतलब क्या होता है? बाजार। और यहाँ पर हम लोग बाजार मतलब ये समझते हैं, नॉर्मली हम लोग मार्केट का मतलब ये समझते हैं कि कोई भी ऐसा जगह, कोई भी ऐसा जहाँ पर मिलन होता है, किसका? बायर और सेलर। तो हम लोग नॉर्मली ये समझते हैं कि मार्केट मतलब कोई भी ऐसा जगह जहाँ पर मिलन होता है बायर और सेलर का। लेकिन आज का टॉपिक मार्केट नहीं है, आज का टॉपिक है फाइनेंशियल मार्केट। तो फाइनेंशियल मार्केट वो जगह है, फाइनेंशियल मार्केट वो जगह है जहाँ पर मिलन होता है, जहाँ पर मिलन होता है बायर और सेलर का नहीं। यहाँ पर दो लोग होते हैं जिनका नाम होता है बोरोवर एंड सेवर। लैंग्वेज चेंज है। नॉर्मली मार्केट मतलब क्या? जहाँ पर बायर और सेलर मिलते हैं। बट टॉपिक का नाम क्या है? फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट मतलब क्या? तो फाइनेंशियल मार्केट मतलब एक ऐसा बाजार जहां पर मिलन होता है। क्या होता है? मिलन। किसका? बोरोवर और सेवर। बोरोवर कौन? जो पैसा लेता है। सेवर कौन? जो पैसा देता है। जिसके पास बहुत पैसा है वो आदमी ये सोचता है कि पैसा को कहां लगाए, जिसके पास पैसा नहीं है वो सोचता है कि पैसा कहां से आए। एंड दिस टू पीपल को एक कॉमन प्लेटफॉर्म चाहिए, और वो कॉमन प्लेटफॉर्म कौन सा है? फाइनेंशियल मार्केट। तो फाइनेंशियल, जैसे अभी हम लोग दोनों यहाँ पर बैठे हैं, हम लोग दोनों का मिलन हुआ। क्यों हुआ बताइए? क्योंकि हम पढ़ा रहे और आप पढ़, तो मेरा भी कोई ज़रूरत है, आपका भी कोई ज़रूरत है, तो इस ज़रूरत को पूरा करने के लिए आदमी का मिलन होता है। तो फाइनेंशियल मार्केट भी एक ऐसा बाजार है। क्या है? बाजार, जहाँ पर क्या होता है? मिलन। किसका? बोरोवर एंड सेवर। बोरोवर कौन? जो पैसा लेता है। सेवर कौन? जो पैसा। वेरी गुड गाइज, ये हो गया फाइनेंशियल मार्केट। अब देखो ये इंग्लिश लिटरेचर तो है नहीं कि लाइन टू लाइन रीडिंग मारेंगे, कॉन्सेप्ट समझा दिया आप रीडिंग मार लोगे। तो फाइनेंशियल मार्केट ये, अब फाइनेंशियल मार्केट जो है ना, फंक्शन लास्ट में पढ़ोगे अपने आप समझ आ जाएगा। ये चार्ट देखिए, चार्ट देखिए ना, चार्ट चार्ट क्या देखिए? देखिए फाइनेंशियल मार्केट दो तरह के होते हैं, एक होता है मनी मार्केट और एक होता है कैपिटल मार्केट। एक क्या होता है बोलो ना? दूसरा एक तो दूसरा एक तो दूसरा तो सुनो, मनी मार्केट वो होता है जब आपको एक साल से कम के लिए पैसा चाहिए और उसका आप लेन देन करते हो। मतलब एक साल से कम के लिए अगर आपको पैसा चाहिए और उसका अगर आपको लेन देन करना है तो आप कौन से मार्केट में जाओगे? मनी। और एक साल से ज्यादा के लिए अगर आपको पैसा चाहिए, एक साल से ज्यादा के लिए अगर आपको पैसा चाहिए तो कहाँ जाइएगा? कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट, कैपिटल मार्केट भी दो तरह के होते हैं, एक होता है प्राइमरी और एक होता है सेकेंडरी। एक क्या? प्राइमरी। दूसरा? सेकेंडरी। एक प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी। जल्दी बताइए फाइनेंशियल मार्केट कितना तरह का है? दो। मनी और कैपिटल। मनी और कैपिटल। मनी और कैपिटल। मनी और कैपिटल। मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। अच्छा वो कौन सा मार्केट जो एक साल से कम के लिए देता है, और वो कौन सा मार्केट जो एक साल से ज्यादा के लिए? कैपिटल मार्केट भी कितने तरह के हैं? प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी और सेकेंडरी। सेकेंडरी का दूसरा नाम क्या है? देख रहे स्टॉक। वैसे तो चैप्टर देखने में बहुत बड़ा है बट पढ़ने में ज्यादा बड़ा नहीं है, उसमें टेक्निक है पढ़ने का। अगर आप ऐसे नॉर्मली बुक्स के हिसाब से पढ़ने जाओगे तब तो आपको 5-6 क्लास लग जाएगा पढ़ने में। ऐसा टाइप से हम लोग पढ़ेंगे कि सारा टॉपिक भी कवर रहेगा, उतना टाइम भी नहीं लगेगा, बहुत छोटा चैप्टर है। इसी बात पर जल्दी से बताइए फाइनेंशियल मार्केट कितना तरह का? मनी और MCQ बहुत पूछता है, मनी और capital. अच्छा वो कौन सा मार्केट है जहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिए लेते हैं, जहाँ लॉन्ग टर्म के लिए? शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म देखिए तो शॉर्ट टर्म के लिए पैसा लोगे तो कौन सा मार्केट हो गया? मनी। लॉन्ग टर्म के लिए कैपिटल। तो अभी आपको हम दो पार्ट पढ़ाने वाले, सबसे पहले आपको मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट का डिफरेंस पढ़ाएंगे, उसके बाद फिर आपको हम सेकेंडरी मार्केट और प्राइमरी मार्केट का डिफरेंस पढ़ाएंगे, और इस तरह से फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। तो आप थोड़ा आ जाइए, नीचे गिर जाइए।
अजय देखिए पेज नंबर बताते हैं कोचिंग का बुक से, पेज नंबर 75 निकालिए, पेज नंबर 75 जो लोग उच्च माध्यमिक देने वाले हो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप लोग ऐड हो जाना प्लीज। देखिए वहां पे आपको पीडीएफ नोट्स भी मिल जाएगा। देखो इधर मनी मार्केट और क्या बाबू कैपिटल मार्केट, ध्यान दीजिएगा आस्ते। देखिए वैसे तो लॉन्ग क्वेश्चन चार मार्क्स वाला ही रहेगा, लॉन्ग क्वेश्चन जो इस चैप्टर से रहेंगे वो चार मार्क्स के ही लॉन्ग क्वेश्चन रहेंगे, तो चार मार्क्स का जो लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा तो चार मार्क्स के लिए अधिक से अधिक 5 से 6 पॉइंट लिखिएगा, 5 से 6 बहुत ज़्यादा हो गया। अगर इस स्टाइल में लिख रहे हो तो 5 पॉइंट भी काफ़ी है। स्टाइल में मतलब क्या हो गया, बोले सर इस स्टाइल में ही तो लिखते हैं, इस स्टाइल में नहीं, डिफरेंस दो तरह से लिखा जाता है, एक तो जो ऐसे यहाँ पे है बेसिस सीरियल नंबर कैपिटल मार्केट मनी मार्केट, और दूसरा होता है डायरेक्ट आंसर लिख देते हो आप, तो अगर डायरेक्ट आंसर लिखोगे तब तो 5-6 पॉइंट लिखेगा, और अगर इस स्टाइल में लिखेंगे तब तो 4 से 5 पॉइंट लिखना भी काफ़ी है, मतलब इनफ है, बहुत टीचर को अच्छा लगेगा। तो इसी बात पे अच्छे से बता दीजिए मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट में डिफरेंस क्या है। तो आपको हम शुरू में ही थोड़ा सा टच देके आए हैं, मनी मार्केट वो है जो शॉर्ट टर्म होता है, कैपिटल मार्केट वो है जो अच्छा। देखिए कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट का पहला एग्जांपल डिफरेंस है पार्टिसिपेंट्स, वो कौन सा आदमी है जो मनी मार्केट में तो खेलता है लेकिन कैपिटल मार्केट में खेलता नहीं है, मतलब मनी मार्केट में तो पैसा लगाता है लेकिन कैपिटल मार्केट में पैसा नहीं लगाता। वो कौन सा आदमी है जो मनी मार्केट में पैसा लगाता है लेकिन कैपिटल मार्केट में पैसा नहीं लगाता, कौन सा आदमी है ऐसा? तो भाइयों और बहनों मनी मार्केट में फॉरेनर्स पार्टिसिपेट नहीं करते हैं और कैपिटल मार्केट में फॉरेनर्स भी पार्टिसिपेट करते हैं, पहला डिफरेंस। अब इतना लंबा चढ़ो वहाँ पे पॉइंट, उसको पढ़ोगे तो यही मीनिंग समझ आएगा कि मनी मार्केट में फॉरेनर्स पार्टिसिपेट नहीं करते और कैपिटल मार्केट में फॉरेनर्स भी पार्टिसिपेट करते हैं। चलो अच्छा, मनी मार्केट 1 साल से कम के लिए, कैपिटल मार्केट 1 साल से ज्यादा, बोलो हाँ कि नहीं। अच्छा ये इंस्ट्रूमेंट्स है, इंस्ट्रूमेंट मतलब मनी मार्केट में पैसा का लेन देन किन किन चीज़ों के थ्रू होता है, तो मनी मार्केट में जिन चीज़ों के थ्रू पैसा का लेन देन होता है उसमें है ट्रेजरी बिल्स, ट्रेड बिल्स, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल पेपर। अब ये सब का भी ना अपना अपना मीनिंग है जो आपको थोड़ा देर बाद बताएंगे, तो फिलहाल के लिए आप इसको हमारी क्या है इग्नोर। और कैपिटल मार्केट में क्या शेयर डिबेंचर प्रेफरेंस शेयर बॉन्ड्स, ये सब जो आप चैप्टर्स शेयर डिबेंचर पढ़ोगे वो सब हो गया। तो शेयर डिबेंचर बॉन्ड में डील करता है कैपिटल मार्केट, और मनी मार्केट किसमें डील करता है ट्रेजरी बिल ट्रेड बिल सीडीसीपी। अब ये सीडीसीपी ट्रेजरी बिल क्या है ये जानने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना होगा क्योंकि लास्ट में ये वाला पार्ट पढ़ाएंगे। अब देखिए कैपिटल मार्केट में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होता है क्योंकि ये बड़ा मार्केट है, और ये मनी मार्केट में इन्वेस्टमेंट क्या होता है कम क्योंकि ये छोटा मार्केट है। कैपिटल मार्केट में लिक्विडिटी जो है वो ज़्यादा है, बात समझे ना, लिक्विडिटी कम है क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए होता है ना, लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है कल ही आपको रेशियो चैप्टर में पढ़ाए थे, जो लोग नहीं आए थे आप शायद उस चीज़ को मिस कर दिए, बस समझिए जिंदगी में न जाने क्या आप खो दिए, तो कल ही पढ़ाए थे आप लोगों को लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है, लिक्विडिटी का मतलब होता है समथिंग विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश। देखिए राइट टाइम में राइट टॉपिक पढ़ाया था, जैसे उधर आपको हम रेशियो पढ़ाए अकाउंट्स में तो इधर आपको हम फाइनेंशियल मार्केट पढ़ा रहे, जिससे आप टॉपिक को बहुत इजीली समझ पाएंगे। यहाँ पर बार बार वर्ड यूज होता है लिक्विडिटी लिक्विडिटी लिक्विडिटी, क्या लिक्विडिटी बताता है कि कंपनी का क्या हैसियत है, क्या कंपनी पैसा चुका पाएगा। आप किसी से कर्जा लेते हो, लेने टाइम में तो ठीक ले लेते हो, देने टाइम में देना नहीं चाहते हो। और हम लोग का देश में, बात समझिए, हम लोग का देश में मतलब इंडिया में, इंडिया एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पे आदमी पैसा दे तो देता है लेकिन वापस मांगने टाइम में अपना पैसा मांगने के लिए ही उसको रीज़न देना पड़ता है कि हमको पैसा क्यों चाहिए। मतलब जैसे आप किसी को कर्जा दी और फिर उससे आपको पैसा वापस देना है तो आपको खुद रीज़न एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि हमको पैसा दीजिए मैं घर में काम है, तब जाके सामने वाला देगा उसके बाद बोलेगा अच्छा ठीक है देखते हैं, सीन क्या है। तो ये फाइनेंशियल मार्केट ऐसे में काम करता है, इसको बोलते हैं लिक्विडिटी। मतलब क्या, आप कितना जल्दी कोई भी चीज़ को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे आपसे हम पूछते क्वेश्चन बताइए मोस्ट लिक्विड एसेट्स, सबसे लिक्विड चीज क्या है, कैश। दुनिया में कैश ऐसा चीज है जो किसी भी चीज को चेंज कर सकता है, कैश इज द ओनली लिक्विड थिंग जो दुनिया में किसी भी चीज का रूप बदल सकता है। लेकिन कैश खुद क्या है, हजारों रूप बदलता है, उसी कैश से ही आप कोई भी चीज खरीदते हो, मोबाइल खरीदते हो कैश से खरीदे हो, बस समझे ना, ये बोर्ड हम लोग खरीदे कैश से ही खरीदे, कोई भी चीज खरीदे तो कैश का दरकार पड़ेगा। लिक्विडिटी का मतलब होता है कि क्या आप कर्जा चुका पाइएगा, क्या आप पैसा वापस कर पाओगे, कितना दिन में वापस करोगे। जो अगर जल्दी करोगे तो हाई लिक्विडिटी, लेट से करोगे तो लो लिक्विडिटी। तो कैपिटल मार्केट में लिक्विडिटी थोड़ा कम होता है और मनी मार्केट में लिक्विडिटी ज़्यादा होता है क्योंकि ये शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टर्म मतलब अब सिंपल सवाल समझिए, कोई आदमी अगर 2 महीने के लिए पैसा लिया है तो जल्दी पैसा देगा ना, कोई आदमी 2 साल के लिए लिया है तो बाद में पैसा देगा। तो लिक्विडिटी कहाँ ज़्यादा होगा बोलो मनी मार्केट में, और कहाँ कम होता है बोलो कैपिटल मार्केट। अगला पॉइंट में आई, कैपिटल मार्केट में रिस्क ज़्यादा है क्योंकि लॉन्ग टर्म होता है। आप बोले कि 5 साल बाद पैसा देंगे, 5 साल तक कौन जिंदा रहेगा कौन मर जाएगा किसी को पता है नहीं। और मनी मार्केट जो है वो लेस रिस्की है, इसमें रिस्क क्या बाबू कम,
कम रिस्क क्यों है बताइए, क्योंकि आपको पैसा जल्दी मिल जाता है। तो कैपिटल मार्केट वर्सेस मनी मार्केट, इतना सारा पॉइंट हम लोग पढ़ चुके हैं, बात समझे ना। इतना एग्जाम में आप इसमें से कोई भी 4 या 5 पॉइंट जो आपको इजी लगेगा वो आप लिख लीजिएगा, मतलब एग्जाम में याद कर लीजिएगा। अच्छा, रिटर्न कहाँ ज़्यादा होगा? कैपिटल मार्केट में रिटर्न ज़्यादा होता है क्योंकि ये लॉन्ग टर्म है। मनी मार्केट में रिटर्न क्या होता है? कम, क्योंकि ये क्या बाबू शॉर्ट टर्म। तो जो लॉन्ग टर्म मार्केट होगा उसमें कमाई क्या होगा? ज़्यादा होगा, स्वाभाविक से बात है। अब उसका देखिए नेक्स्ट, अगला पॉइंट में आइए। चलिए अगला पॉइंट है भाई टाइप्स ऑफ कैपिटल। कैपिटल मार्केट में फिक्स कैपिटल का दरकार होता है। फिक्स कैपिटल समझते हैं, लॉन्ग टर्म एसेट्स। अब मनी मार्केट में हम लोग क्यों जाते हैं बताइए? वर्किंग कैपिटल के। वर्किंग कैपिटल मतलब बिजनेस को चलाने के लिए। तो बिजनेस को चलाने के लिए जो पैसा चाहिए ना उसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल, और जो लॉन्ग टर्म के लिए पैसा चाहिए उसको क्या बोलते हैं? अब फिक्स कैपिटल। बोलो हाँ कि नहीं। चलिए ये हो गया मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। अब आते हैं प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। देखिए अब अभी लोगों पास पढ़ने का दो तरीका था, एक तो हम आपको मनी पहले पढ़ाते, फीचर्स, एडवांटेज, डिसएडवांटेज। अब डिफरेंस से क्या हुआ, दोनों क्लियर हो गए एक साथ कि मनी मार्केट क्या है और कैपिटल मार्केट क्या है। इसीलिए आप हार्डवर्क करके कुछ नहीं कर सकते, आपको हार्डवर्क के साथ स्मार्ट वर्क करना होगा। पढ़ाई का स्टडी ही होता है। आप 8 घंटा बैठे किताब के सामने लेकिन कुछ समझ ही नहीं आ रहा आपको, पसंद है? और एक स्ट्रेटजी से पढ़ाई करिएगा, एक तरीका से पढ़ाई करिएगा, ठीक आप पास कर जाइएगा और ठीक आप अच्छा नंबर लेके आ जाइएगा। तो टेक्निक आपको पता रहना चाहिए, और धीरे धीरे अब वो टाइम हम लोग आ चुका है जब आपको टेक्निक जानना पड़ेगा, क्योंकि अब एग्जाम्स बहुत सामने हैं। चलिए तो भाइयों और बहनों, मार्केट में दो तरह के मार्केट है, प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट। तो दो तरह के है, मनी और कैपिटल। कैपिटल के अंदर कितने तरह के बाबू? दो। कैपिटल के अंदर दो, क्या क्या बोलिए? प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी क्या है और सेकेंडरी क्या है? आइए, प्राइमरी मार्केट वो होता है ना, प्राइमरी मार्केट जहां फर्स्ट हैंड शेयर बिकता है, और सेकेंडरी मार्केट वो होता है जहां पे कैसा बिकता है? सेकेंड फर्स्ट हैंड शेयर चाहिए, पहला पहला बार, ताजा ताजा, नया नया, गरम गरम शेयर। तो कौन सा बाजार में जाओ? प्राइमरी। और बासी शेयर चाहिए तो सेकेंड। और सोचते होंगे शेयर बासी ताजा, समझे नहीं सर, शेयर कैसे बासी होगा? शेयर कोई जलेबी तो नहीं है कि ताजा ताजा होगा, बासी बासी होता होगा। देखिए क्या होता है, जैसे हम कंपनी बनाए और अपना शेयर बेचे, तो पहली बार जो बेचे वो हो गया प्राइमरी मार्केट। हम बेचे आकाश को, आकाश बेच रहा बबलू को, बबलू बेच रहे सीता को, सीता बेच रहे गीता को, और ये प्रोसेस चलता आ रहा, चलता आ रहा, चलता आ रहा, चलता आ रहा। ये हो गया सेकेंड हैंड। क्या हो गया? वो सेकेंड सेकेंड हैंड। फर्स्ट हैंड का मतलब आपको तो पता ही हो, आप लोगों को क्या पता है, बस समझिए ना। फर्स्ट हैंड मतलब जो चीज पहली बार होता है वो फर्स्ट हैंड, और जो दूसरी बार होता है वो क्या बाबू? सेकेंड। बस समझ ना, प्राइमरी और सेकेंडरी। हम शेयर का बात करें, आप क्या सोच रहे हैं? आपका मैटर है, प्राइमरी मार्केट में कंपनी डायरेक्टली शेयर बेचता है, और सेकेंडरी मार्केट में शेयर ट्रांसफर होता है एक आदमी से दूसरा। आज इसका पास, कल उसका पास, परसों उसका पास, उसके बाद किसी और के पास। इसको बोलते हैं सेकेंडरी मार्केट। कौन सा मार्केट? उसके बाद देखिए कैपिटल फॉर्मेशन। प्राइमरी मार्केट में न्यू कैपिटल बनता है क्योंकि पहली बार बेचते हैं, और सेकेंडरी मार्केट में ऑलरेडी जो कैपिटल रहता है, जैसे मान लीजिए सेकेंडरी मार्केट में होता क्या है, शेयर मार्केट में होता क्या है, शेयर मार्केट में ये मत सोचे कि रोज नया नया शेयर बिकता है। जैसे मान लीजिए 500 शेयर हम खरीदे, अब हम शेयर बेच रहे किसी व्यक्ति को, फिर वो किसी को बेच रहा, फिर वो किसी को बेच रहा, तो पैसा तो उतना ही है, वही पैसा रोटेट होता है। तो प्राइमरी मार्केट में न्यू कैपिटल फॉर्मेशन होता है, नए नए अमाउंट क्रिएट होते हैं, और सेकेंडरी मार्केट में न्यू कैपिटल फॉर्मेशन नहीं होता है। वहां पर जो अमाउंट है वही अमाउंट रोटेट होता है। क्या होता है? क्या बात है, क्या बात है। ऑल कंपनीज एंटर द प्राइमरी मार्केट टू रेज कैपिटल फॉर देयर ऑपरेशन। प्राइमरी मार्केट में कंपनी एंटर करता है पैसा को कलेक्ट करने के लिए, पैसा को क्या करने के लिए? कलेक्ट। और सेकेंडरी मार्केट में कंपनी सिर्फ क्या करता है? खरीदता है, बेचता है, खरीदता है, बेचता है, खरीदता है, बेचता है। और सेकेंडरी मार्केट को मैं लिस्टेड, लिस्टेड मतलब होता है रजिस्टर्ड। सेकेंडरी मार्केट, शेयर मार्केट में आप तभी काम कर पाइएगा ना जब आप लिस्टेड रहिएगा। लिस्टेड मतलब रजिस्टर्ड, लिस्टेड मतलब। प्राइमरी मार्केट का कोई फिक्स जगह नहीं होता है बाबू, याद रखिएगा। प्राइमरी मार्केट का कोई फिक्स जगह नहीं, क्योंकि प्राइमरी मार्केट पे बाजार नहीं है। प्राइमरी मार्केट एक परिस्थिति का नाम है जहाँ पर शेयर आप पहली बार बेचते हो। तो अगर आप शेयर पहली बार बेचते हो तो वो कौन सा मार्केट हो गया? प्राइमरी। तो प्राइमरी मार्केट के लिए देर इज नो एनी रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स प्लेस, और सेकेंडरी मार्केट जो है उसके लिए एक फिक्स प्लेस होता है बाबू। फिक्स क्या होता है? प्लेस। अच्छा, प्राइमरी मार्केट में प्राइस कौन सेट करता है? मैनेजमेंट। और सेकेंडरी मार्केट में प्राइस कौन सेट करता है? मार्केट। मार्केट मतलब डिमांड फैक्टर्स, डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड एंड क्या बाबू? सप्लाई। तो प्राइमरी और सेकेंडरी में सबसे बड़ा फर्क क्या है? जल्दी हम पूछते बताएंगे, देखिए कौन बता, बच्चा बता पा रहा है। जो लोग ऑनलाइन यूट्यूब से देख रहे हो आप लोग कमेंट मारी, कमेंट करके भर दीजिए, ठीक है। तो बताइए वो कौन सा मार्केट है जहाँ पहली बार बेचते?
जहाँ दूसरी बार बेचते हैं, फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, ताजा ताजा, बासी बासी, वो कौन सा मार्केट है जहाँ पर कोई जगह नहीं होता है, जहाँ जगह होता है, वो कौन सा मार्केट है जहाँ पर नया कैपिटल बेचते, जहाँ पर वही जो अमाउंट है वही घूमता रहता है, क्या बात है, वेरी गुड। वो कौन सा मार्केट है, वो कौन सा मार्केट जहाँ पर प्राइस कंपनी खुद सेट करता है, और जहाँ पर प्राइस डिमांड एंड सप्लाई फैक्टर से सेट होता है, क्या होता बाबू, सेकेंडरी, क्या होता बताइए, चलो चलिए आ जाओ, अब ऊपर आ जाइए, दो क्लास में खत्म हो जाएगा बाबू, आज का क्लास और एक दिन करेंगे चैप्टर खत्म, आ जाइए। देखिए पेज नंबर 68 में आ जाइए, 68 में आ जाइए। देखिए जहां पे खत्म किए थे फिर वहीं पे आ गए, मनी मार्केट पे स्टार्ट किए थे ना हम लोग, वही भाई इसके आगे अगला पेज में लेके चले गए थे आपको, फिर देखिए वहीं पे हम लोग टॉपिक में आ गए हैं। तो अभी माय डियर स्टूडेंट्स देखिए फिर से वही पेज नंबर कितना बोलिए, 60। अच्छा अब जो टॉपिक है हम लोग का वो है मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स, मनी मार्केट के क्या बाबू, इंस्ट्रूमेंट। भाइयों और बहनों देखिए टेक्निक है, आपको हम क्या किए, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, प्राइमरी, सेकेंडरी, चार टॉपिक पढ़ा दिया ऑलरेडी, मनी मार्केट क्या है, कैपिटल मार्केट क्या है, प्राइमरी क्या है, सेकेंडरी क्या है, टॉपिक कंप्लीट। अभी आपको पढ़ाएंगे मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स, इंस्ट्रूमेंट मतलब क्या होता है। देखिए जब भी पैसा का लेन देन होता है तो किसी न किसी लीगल डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू होता है, पैसा आप किसी को ऐसे ही नहीं दे सकते, बात समझे ना, आदमी पैसा देख के ऐसे भी बदल जाएगा, आदमी ऐसे पलटी मार देता तो पैसा तो छोड़ दीजिए, अलग बात हो गया। तो आप किसी को, आपको बोला ना स्टार्टिंग में कि इंडिया हम लोग का एक ऐसा देश है जहाँ पे आदमी पैसा ले तो लेता है लेकिन देने टाइम में आपको अपना पैसा मांगने के लिए रीज़न एक्सप्लेन करना पड़ेगा, और उसके बाद भी वो पैसा देगा कि नहीं देगा वो डिपेंड करता है। तो पैसा में बैड डेप ना हो, पैसा कोई मार के ना भाग जाए, कोई पैसा लेके भाग गया, फोन ही नहीं उठा रहा, फोन करे तो फोन नहीं उठा रहा, बस मैसेज करे तो मैसेज में ब्लॉक कर दिया है, उसका घर का पास जाके नॉक कर रहे तो बोला बबलू का पापा नहीं है। तो ये दीज आर लॉट्स ऑफ सिचुएशंस। तो इसीलिए ना एक लीगल डॉक्यूमेंट्स बनाया जाता है, उस लीगल डॉक्यूमेंट्स को हम लोग बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट्स। क्या होता है वो इंस्ट्रूमेंट, ये क्वेश्चन आया हुआ है, पूछेगा आपसे कि एक्सप्लेन द मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स चार मार्क्स का बोलेगा, चार्टो लिखना होगा, बोला मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताइए ना, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताइए कि मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट क्या क्या है इंडिया में। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट मतलब हम लोग का देश में जो पैसा है, पैसा का लेन देन है वो कहाँ कहाँ से होता है। तो भाई मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट बताइए ना, मनी मार्केट क्या बाबू, इंस्ट्रूमेंट, आइए बताते हैं। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है भाई कि मनी मार्केट में मतलब कि अगर हम शॉर्ट टर्म के लिए पैसा का लेन देन करेंगे तो कहाँ करेंगे और कैसे करेंगे। तो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, मनी मार्केट क्या बाबू, इंस्ट्रूमेंट। तो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट रेफर्स टू ऑल दोज एसेट्स ऑफ द मनी मार्केट, मनी मार्केट में जिन चीज़ों के थ्रू हम लोग पैसा का लेन देन करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। तो अगर हम लोग से पूछता है ना कि व्हाट डू यू मीन बाय मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, तो उसको क्या जवाब देंगे बोलिए, उसको जवाब ये देंगे कि मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट वो होता है ना, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट जहाँ पर हम लोग पैसा का लेन देन करते हैं, किसके लिए बाबू बताइए, शॉर्ट टर्म के लिए, और जिन चीज़ों के हेल्थ से लेन देन करते हैं, जिन चीज़ों के किससे हेल्प करते बाबू, हेल्थ से। तो जिन चीज़ों के हेल्थ से आप पैसा का लेन देन करोगे वो क्या हो जाएगा बताओ, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। मनी मार्केट क्या बोलो, मनी मार्केट। तो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट के बारे में अगर आपसे कोई पूछेगा कि मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट मतलब हो गया एसेट्स, इंस्ट्रूमेंट मतलब क्या हो गया वो एसेट्स, और सिंपल लैंग्वेज समझिए तो लॉन्ग टर्म, ये इंस्ट्रूमेंट मतलब क्या, लीगल डॉक्यूमेंट, लीगल डॉक्यूमेंट का मतलब क्या हो गया बताइए, लीगल डॉक्यूमेंट मतलब जिन डॉक्यूमेंट्स के हेल्प से हम लोग लेन देन करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं लीगल डॉक्यूमेंट। क्या होते हैं बताइए, लीगल डॉक्यूमेंट। इसका टाइम चेंज कर दो बाबू, ठीक है प्लीज़ करके भेज दो। देखिए अब आइए तो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में क्या क्या है, देखिए आइए ना क्या क्या लिखा हुआ है, पढ़ते हैं। मनी मार्केट इज अ मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म फंड, पता है, आगे बोलिए, इसमें एक साल तक के लिए पैसा का लेन देन करते हैं, आगे बोलिए। मनी मार्केट इज सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर वर्किंग कैपिटल, आगे वही सब तो पढ़ा दिया आपको पहले। ट्रांजेक्शन ऑफ मनी मार्केट इंक्लूड लेंडिंग एंड बोरिंग ऑफ मनी फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, फिर वही बात, एक ही बात रिपीट कर रहे हो। उसके बाद तो ये सब एक साल के अंदर पैसा दोगे तो कौन सा मार्केट होएगा मनी, आप सोचिए डिफरेंस पढ़ने का फायदा, ये पूरा इसमें जितना वर्ड लिखा हुआ सब आपको पता है। मनी मार्केट फिर शॉर्ट टर्म, ओहो पता है, आगे बोलिए। नो ज्योग्राफिकल, फिर वही बात पढ़ा रहे, तो वही सब चीज़ें को फिर से लिखा हुआ, यस नो गाइस। अब मनी मार्केट में क्या क्या चीज़ होता है भाई, क्या क्या इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो आपको पढ़ना है, एक्चुअली टॉपिक आज का वही है, मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट, मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट, मनी मार्केट का।
तो मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट में सबसे पहला, सबसे फेमस, सबसे ज्यादा एग्जाम में जो आता है वो है कॉल मनी। कॉल मनी क्या है, क्यों है, किस लिए है, ये आपको बताएंगे। ये ऐसे चैप्टर्स है ना बिजनेस स्टडीज के जो आप बुक से पढ़ोगे तो समझ नहीं आएगा आपको, इसका मीनिंग जब तक नहीं समझ आएगा आप रीडिंग करके फायदा नहीं। अब जब आप मीनिंग समझ गए उसके बाद आप कोई भी बुक से पढ़िए समझ जाइएगा, इसलिए ठंडा दिमाग से समझो और पढ़ने का कोशिश करो। तो इसी बात पे बताइए कॉल मनी क्या है, कॉल मनी कौन लेता होगा, क्यों लेता होगा, किस लिए लेता होगा, किससे लेता होगा, आखिर कॉल मनी का दरकार क्यों है, ये सब हम लोग जानेंगे। भाइयों और बहनों कॉल मनी वो होता है ना, कॉल मनी जो हम लोग वेरी शॉर्ट पीरियड बहुत ही कम टाइम के लिए लेते हैं, बहुत ही कम टाइम, मैक्सिमम 14 से 15 दिन के लिए जो पैसा का लेन देन होता है उसको क्या बोलते हैं बताइए, कॉल मनी। आखिरकार आप सोचते होंगे कि भाई 14 से 15 दिन के लिए आदमी पैसा लेता कौन होगा और उसको दरकार क्या है। 14 से 15 दिन के लिए पैसा नॉर्मली कौन लेता है, वो बैंक, बहुत वेरी शॉर्ट पीरियड के लिए ना बैंक पैसा लेता है, कौन लेता है वो बैंक। आखिर फिर बैंक को पैसा का दरकार क्यों पड़ता है, ये सवाल आपके मन में। देखिए हर एक बैंक का ना एक रूल होता है आरबीआई का कि हर एक बैंक को मिनिमम रिजर्व मेंटेन करना पड़ेगा। तो कभी कभी क्या होता है बैंक वाला लोग ना मान लीजिए ज़्यादा लोन दे दिया कि हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट है, लोन लेने के लिए आदमी लोग आया है, ज़्यादा लोन दे दिया तो बैंक के पास तो शॉर्टेज हो जाता पैसा। अब बैंक को पता है कि मेरे पास पैसा 5 दिन बाद आएगा, जैसे बात समझिए, इस सीन को समझने के लिए आपको एग्जांपल समझना होगा। मान लीजिए आपको बाजार करने के लिए मम्मी बाजार से कुछ सामान लाने के लिए 500 रुपया दिए और मम्मी को पता है कि भाई सामान का खर्चा 200 रुपया लगेगा, लेकिन भूल से क्या किया ना आप, रास्ता में कोई दोस्त मिल गया, आपका महिला मित्र मिल गई, उसका फुसका खिला दिए तो 50 रुपया ज्यादा खर्चा हो गया। अब घर का एग्जांपल समझिए तो 250 खर्चा हो गया, खर्चा कितना हो गया 250। अब आप घर में खर्चा कितना हो गया बताइए 250, लेकिन मम्मी को पता है कि इसका इस सामान का दाम 200 रुपया ही, लेकिन खर्चा कितना हो गया बताइए, तो बाकी 50 रुपया तो आपका ज़्यादा लग गया, लेकिन आपके पास अभी पैसा नहीं है, लेकिन आपको पता है कि 2 दिन बाद आपको पैसा मिल जाएगा किसी से, मतलब कोई फ्रेंड आपसे लिया था या कोई चीज़ के लिए मम्मी ही देगी तो पैसा मैनेज हो जाएगा, लेकिन अभी नहीं है फिलहाल। लेकिन मम्मी को तो अभी जवाब देना होगा, अब मम्मी को क्या मम्मी को घर में आकर के क्या मुंह दिखाइएगा, क्या बोलेगा कि रास्ता में जा रहे थे लड़की मिल गई, लड़की अच्छे लगे, फुचका खाने, हम उसकी निगाहों में वो मेरी निगाहों में एक दूसरे को देख देख के फुचका खा रहे थे, बोल पाओगे, बोलो ऐसा नहीं बोलो। कोई भी देखो हम लोग इतना मॉडर्न नहीं हो गए कि माता पिता को जाकर के आप इतना खुल के बोल दीजिएगा, बात समझे कि हम बाबू का निगाहों में बाबू मेरा निगाहों में फुचका खा लिया क्या होगा, 50 रुपया खाए तो खाए, ऐसा नहीं बोल सकते। तो अभी सीन क्या है, आप क्या करिएगा अपना किसी मित्र को बोलिएगा कि भाई तुम हमको 50 रुपया दो, मेरे पास कल पैसा आएगा, परसों आएगा, 5 दिन बाद ही आएगा, हम तुमको दे देंगे। तो कितना हो गया, वेरी शॉर्ट पीरियड मनी हो गया। बैंक में भी ऐसे होता है, बैंक के पास शॉर्टेज हो जाता है तो बैंक को पता है कि भाई हमको पैसा तो आएगा ही बैंक के पास, बैंक है तो पैसा आएगा ही, लेकिन अभी नहीं है फिलहाल। अब हम क्या करें, पापा डांटेंगे, पापा मतलब आरबीआई, कौन डांटेंगे बताइए, पापा, पापा मतलब कौन, आरबीआई, पापा मतलब कौन, आरबीआई, बैंक का पापा तो कौन है। देखिए इंटरेस्टिंग एक टॉपिक का लिंक देखिए, यही टॉपिक अभी आपको इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा रहे, बात समझे ना, तो पापा पापा क्या बाबू, पापा पापा, पापा तो मानेंगे नहीं, तो इसीलिए पापा को क्या जवाब देंगे, पापा को क्या मुंह दिखाएंगे, इसके लिए क्या करेंगे, दूसरा बैंक से पैसा ले लेंगे, दूसरा बैंक से पैसा ले लेंगे। अब फिर जब पैसा मेरे पास आएगा 2 दिन 4 दिन 5 दिन बाद वापस कर देंगे, कभी कभी तो 2-3 घंटा के लिए पैसा ले आता है, जैसे अभी 4 बजे आपको पैसा दरकार है, पैसा नहीं, अब फिर मान लीजिए 6 बजे तक पैसा मिल जाएगा, लेकिन बैंक का स्क्रूटनी आ गया, वेरिफिकेशन आ गया, बैंक को दिखाना है कि भाई पैसा है, तो ले लेते पैसा हम लोग। इसको बोलते हैं इंटर बैंक ट्रांजेक्शन। और ये मैक्सिम आपसे पूछेगा ये मैक्सिमम कितना दिन के लिए होता है, 14 से 15, नॉर्मली 14 दिन ही होता है, समटाइम्स इमरजेंसी में कितना बाबू 15। कॉल मनी के ऊपर जो इंटरेस्ट लगता है उसको बोलते हैं कॉल रेट। और कॉल मनी इज द वेरी शॉर्ट टर्म मनी। और ये मनी मार्केट का एक वन ऑफ द एलिमेंट है। और कॉल मनी जो है ना ओवर द फोन भी मांगा जाता है, जैसे हमको पैसा दो, हमले बाबू थोड़ा पैसा भेज दीजिए, तो ओवर द फोन डिस्कशन होता है, इसीलिए इसका नाम कॉल मनी है। क्या नाम है बोलो, कॉल मनी नाम क्यों भाई, ये कैसा नाम है कॉल मनी, इसका नाम इसलिए है क्योंकि ये पैसा डिमांड किसके थ्रू करता है, कॉल फोन के, बाबू पैसा लेके आना ना प्लीज, बाबू पैसा लेके आ गए, तो ये क्या हो गया बताइए, कॉल मनी, कौन सा मनी, कॉल मनी, ये सारा बात यहाँ पर लिखा हुआ है, बात समझे ना, पूरा रीडिंग मारोगे ये सब आपको लिखा हुआ मिलेगा। अब आते हैं ट्रेजरी बिल, अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इसे एमसीक्यू बहुत देता है बंगाल बोर्ड, ट्रेजरी बिल्स। ट्रेजरी बिल को प्यार से बोलते हैं टी बिल्स। टी रेफर्स टू ट्रेजरी बिल्स, किसी के स्कूल में हुआ होगा तो सुने होंगे आप, टी रेफर्स टू ट्रेजरी बिल्स। अभी ट्रेजरी बिल क्या है सुनिए, स्टार्टिंग का फर्स्ट सेकंड भी समझाने लायक है, उसके बाद सब इजी, एक बार रीडिंग मारेंगे खत्म। ट्रेजरी बिल्स आर इशूड बाय, ट्रेजरी बिल इशू कौन करता है, तो ट्रेजरी बिल इशू करता है आरबीआई, कौन इशू करता है बाबू,
ट्रेजरी बिल्स आर इशूड बाय आरबीआई ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट. आपसे पूछेगा ना कि ट्रेजरी बिल कौन इशू करता है, बताइए, तो आप बोलोगे ट्रेजरी बिल इशूड बाय आरबीआई, इशूड बाय आरबीआई ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट बोलता है और आरबीआई करता है क्या इशू, क्या इशू, ट्रेजरी बिल्स. पहला बात आपसे पूछेगा हु इशूज ट्रेजरी बिल्स, क्या बोलोगे. दूसरा, बैंकों का पापा कौन है बताइए, आरबीआई. तो यहां पर आरबीआई इशू करता है, इसीलिए इसमें रिस्क नहीं होता, क्योंकि अगर आरबीआई कोई चीज इशू किया है तो आरबीआई तो पैसा उसका देगा ही. अगर आरबीआई कोई चीज इशू किया तो आरबीआई तो पैसा मार के नहीं भागा, क्योंकि इंडिया का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट हो गया, तो आरबीआई तो पैसा देगा ही. इसीलिए इसका नाम है रिस्क फ्री बॉन्ड, बिकॉज इट डज नॉट कैरी एनी रिस्क. इसको रिस्क फ्री बॉन्ड कहते हैं क्योंकि इसमें कोई रिस्क नहीं है. दो बात हो गया. तीसरा, ये कितना पॉइंट हो गया बाबू, अच्छा ट्रेजरी बिल का तीसरा पॉइंट, ट्रेजरी बिल में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, इसीलिए ट्रेजरी बिल को हम लोग बोलते हैं जीरो कूपन बॉन्ड. क्या बोलते हैं बाबू, अच्छा. और ट्रेजरी बिल का मिनिमम अमाउंट होता है 25,000 रुपया, मतलब अगर आपको ट्रेजरी बिल बेचोगे तो ट्रेजरी बिल मिनिमम 25,000 रुपया का ही खरीद सकते हैं आप. 25,000 से ऊपर ही होता है, 25,000 से नीचे नहीं. तो यहां से कुछ की पॉइंट्स निकल गए, आपसे पूछते बताइए, तो हु इश्यूज ट्रेजरी बिल्स, व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ ट्रेजरी बिल. अच्छा, ट्रेजरी बिल्स में रिस्क होता है क्या, इसीलिए इसको बोलते हैं रिस्क फ्री बॉन्ड. और इसमें इंटरेस्ट होता है क्या, इसीलिए इसको बोलते हैं जीरो कूपन बॉन्ड. बोलो हाँ कि नहीं, यस और नो, राइट की रॉन्ग, ट्रू की फॉल्स. यस, नहीं नहीं, आप हिबला इसमें से पूरा क्लास को बता. देखिए कमर्शियल बिल, इसमें कोई नया बात नहीं है. कमर्शियल बिल, अब कमर्शियल बिल क्या है इधर देखिए, देखिए सर कमर्शियल बिल क्या है इधर देखिए. जैसे अभी देखो, अभी आपको हम कोई सामान भेज दे, देखो कमर्शियल बिल मतलब सिंपल लैंग्वेज में बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जो हम लोग 11 में पढ़े थे. बिल्स ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है कि अगर हम आपको सामान बेच रहे हैं, या तो हम कैश में बेचेंगे या तो क्रेडिट में बेचेंगे. तो अगर आपको हम कैश में बेच रहे तब तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर हम क्रेडिट में, देखिए इंटरेस्टिंग बात यह है कि सिर्फ कर्जा देने का मतलब सिर्फ पैसा देना ही नहीं होता है. अगर मान लीजिए जहां पर आपको 2 महीना का हम उधारी देते हैं, वहां पर अगर आपको हम 3 महीना का उधारी दे दिए, तो ये भी एक तरह का कर्जा देना ही हो गया, और इसी को बोलते हैं कमर्शियल बिल. कंपनी क्या करता है, जैसे मान लीजिए हम कोचिंग का बुक बनवाएं, तो जिससे बुक बनवाए हैं उससे वो हमको बोला कि भैया आप हमको 1 महीना बाद पेमेंट कर दीजिएगा, लेकिन हम क्या किए, 2 महीना बाद पेमेंट किया, 3 महीना बाद किए. तो ये भी तो एक तरह का कर्जा ही हुआ, ये भी एक तरह का लोन हुआ, क्योंकि हमको बिना 3 महीना तक तो हमको चिंता नहीं, 3 महीना बाद उसका पेमेंट करेंगे. तो ट्रेड बिल क्या होता है, कमर्शियल बिल, ट्रेड बिल एक ही चीज़ होता है. बिल में क्या होता है कि हम लोग एक आदमी दूसरा आदमी के ऊपर बिल बनाता है, और बिल का पेमेंट 2 महीना 3 महीना 4 महीना नॉर्मली 3 महीना के लिए बनाया जाता है, बात समझे ना, तो उसके बाद पेमेंट हो जाता है. बिल में कितने पार्टीज होते हैं, आपको पढ़ाया था पहले बचपन में, 3 पार्टी होते हैं, ड्रॉअर, ड्रॉई और पे. जो बिल बनाता है उसको क्या बोलते हैं, ड्रॉअर, जिसके ऊपर बनाता है, और जो आदमी पैसा रिसीव करता है उसको क्या बोलते हैं, पे. बात समझे ना, वक्त से पहले अगर आपको जरूरत है तो आप बैंक से भी पैसा निकाल सकते हैं. तो कमर्शियल बिल वही हो गया जो आपने 11 में बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़ा था, उसी को यहां पर क्या बोलते हैं बाबू, कमर्शियल बिल. अगला है कमर्शियल पेपर. देखिए कमर्शियल पेपर का कॉन्सेप्ट इंडिया में सबसे पहली बार 1990 में स्टार्ट हुआ था. कमर्शियल पेपर जो है वो जनरली कौन इशू, आपसे पूछेगा कौन इशू करता है, कौन बेचता है, तो कमर्शियल पेपर इशूड बाय बिग पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर कंपनी. एक ऐसा कंपनी जिसका रेपुटेशन अच्छा है, क्योंकि आप सोचो जिस कंपनी का रेपुटेशन होगा आदमी उसी में पैसा लगाएगा, जिसका रेपुटेशन नहीं होगा उसमें आदमी पैसा नहीं लगेगा. तो बड़े कंपनी, फेमस कंपनी, पॉपुलर कंपनी से पैसा का हम लोग लेन देन करते हैं विद द हेल्प ऑफ कमर्शियल पेपर. तो आपसे पूछेगा कमर्शियल पेपर कौन बेचता है, तो कंपनी. कमर्शियल बिल कौन बनाता है, तो एक कस्टमर दूसरा कस्टमर का ऊपर. और लास्ट वाला है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट. सर्टिफिकेट ऑफ क्या बाबू, जो वहां पे लिखा था सीडी लिखा होता है, सीडी मतलब सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट. देखिए सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में क्या होता है कि सर्टिफिकेट, जैसे बैंक में जाइएगा तो आदमी फिक्स डिपॉजिट करते हैं, बैंक में जाइएगा तो आदमी क्या करते हैं बताइए, फिक्स डिपॉजिट. तो फिक्स डिपॉजिट में क्या होता है बताइए, आप फिक्स डिपॉजिट में जाइए, बैंक में जाइएगा पैसा जमा कर दीजिएगा, 2 महीना 4 महीना 6 महीना 8 महीना 10 महीना 1 साल बाद आपको पैसा बैंक से मिलेगा, या 5 साल के लिए करा है तो 5 साल तक आप पैसा नहीं ले सकते. तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट वैसे ही होता है कि आप बैंक में पैसा जमा करते हो, उसके बदले बैंक आपको एक सर्टिफिकेट देता है जिसको बोलते हैं सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट. सर्टिफिकेट ऑफ क्या हो, डिपॉजिट. देखिए क्या लिखा, इट इज अ टाइम ऑफ डिपॉजिट विच कैन बी सोल्ड इन सेकेंडरी मार्केट, ओनली बैंक कैन इशू सीडी. सीडी मतलब सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट. सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट सिर्फ और सिर्फ कौन इशू करता है बताइए, बैंक. बैंक इशू करता है, और ये इसको ट्रांसफर कर सकते हैं, ये 91 दिन के लिए होता है, ये सब ज्ञान का बात लिखा और रीडिंग मार लीजिएगा. तो अगर आप देखोगे हमसे पूछेगा कि मनी मार्केट का कुछ इंस्ट्रूमेंट बताइए ना, तो मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट में आप क्या क्या नाम लिखोगे बताओ. उसमें आ गया आपका कॉल मनी, ट्रेजरी बिल्स. कॉल मनी ट्रेजरी बिल से MCQ बहुत आएगा, बात समझे, कॉल मनी ट्रेजरी बिल
कमर्शियल बिल, कमर्शियल पेपर और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। अब अगर आपसे लॉन्ग क्वेश्चन पूछेगा एक्सप्लेन या डिस्कस फ्यू इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट, मनी मार्केट के कुछ इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताइए, तीन चार टो के बारे में लिख दीजिए। कभी कभी क्या करता है, कंपलसरी दे देगा कि एक्सप्लेन कमर्शियल पेपर और ट्रेजरी बिल, तो आपको वही लिखना पड़ेगा जो पूछा है। तो ये सारे किस में चले गए बताइए, देखिए ये सारे चले गए हम लोग का मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट में। तो अभी हम कौन कौन से टॉपिक आपको आज पढ़ाएं, देखिए फिनेंशियल मार्केट क्या होता है वो पढ़ाएं। फिनेंशियल मार्केट दो तरह के होते हैं वो पढ़ाएं, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। उसके बाद कैपिटल मार्केट दो तरह का वो पढ़ाएं कि प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। उसके बाद मनी मार्केट में क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो पढ़ाए, मतलब समझो ऑल इन ऑल आपको पांच लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ाए, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन ही पढ़ाया जाता है पहले स्टार्टिंग में, फिर एमसीक्यू। हाँ डिफरेंस तो पढ़ाए उसका, वो डिफरेंस में ही टॉपिक कवर हो गया, बस समझे ना। अब ये पूरा टॉपिक से ना हम आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप आंसर दीजिएगा। जो लोग ऑनलाइन कर रहे हो कमेंट करोगे। चलो देखो, अच्छा बताइए वो कौन सा मार्केट है जहाँ पैसा का लेन देन होता है, बोले सोचिए। अच्छा ऑप्शन दे रहे, फाइनेंशियल मार्केट, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट। क्योंकि अभी आपको मार्केट का कैटेगरी पूछे ही नहीं, अभी आपसे क्या पूछे, जहाँ पैसा का लेन देन होता है, तो पहला वर्ड में आंसर क्या होगा, फाइनेंशियल मार्केट। फिर जब एमसीक्यू सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, एमसीक्यू सीरीज, तब तो एमसीक्यू करेंगे, आपको हम रफली पूछ रहे हैं बताइए। अच्छा बताइए तो फाइनेंशियल मार्केट वो कौन सा मार्केट है जहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिए लेन देन होता है, जहाँ लॉन्ग टर्म के लिए होता है, कैपिटल मार्केट। और अच्छा वो कौन सा मार्केट है जहाँ पर फर्स्ट हैंड शेयर बेचते हैं और जहाँ सेकेंड हैंड शेयर। अच्छा वो कौन सा मार्केट है जिसका कोई फिक्स जगह नहीं होता है, बोलिए, प्राइमरी मार्केट। और वो कौन सा मार्केट है जिसका फिक्स जगह होता है, सेकेंडरी मार्केट। का ही दूसरा नाम क्या है, स्टॉक एक्सचेंज अथवा शेयर मार्केट कह सकते हो आप साधारण शब्दों में। शेयर मार्केट मतलब यहाँ पे शेयर खरीदते हैं बेचते हैं, खरीदते हैं बेचते हैं, खरीदते हैं बेचते हैं, तो इसीलिए इसको कौन सा मार्केट बोलते हैं, सेकेंडरी, सेकेंडरी मार्केट या फिर शेयर मार्केट। अच्छा बताइए वो कौन सा मनी है, अच्छा वो कॉल मनी जो है वो मनी मार्केट का एलिमेंट है या कैपिटल मार्केट। अच्छा बताइए वो कौन सा मनी है जो ज़्यादातर बैंक वाला लोग लेन देन करता है, कॉल मनी। अच्छा कॉल मनी मैक्सिमम कितना दिन के लिए होता है, 14 डेज के लिए होता है, कभी कभी 15 भी हो सकता है। अच्छा मनी मार्केट जो है उस कॉल मनी में जो इंटरेस्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, कॉल रेट, कॉल रेट। कभी मान लीजिए एग्जाम में पूछते व्हाट डू यू मीन बाय कॉल रेट, अब तो स्टूडेंट क्या लिख रहा है, कॉल रेट इज अ गुड रेट, इट इज चार्ज बाय द टेलीफोन कंपनी, वोडाफोन, आइडिया, ये सब आंसर होगा, समझ के जाओगे ना। कॉल रेट इज द इंटरेस्ट रेट चार्ज बाय द चार्ज ऑन द कॉल मनी, कॉल मनी के ऊपर जो इंटरेस्ट रेट मारते हैं उसको क्या बोलते हैं बाबू, कॉल रेट, उसमें लिखा हुआ है। अच्छा उसके बताइए बताइए टी बिल्स का फुल फॉर्म क्या है, ट्रेजरी बिल्स इश्यूड बाय हुम, आरबीआई। अच्छा ट्रेजरी बिल का दूसरा नाम क्या है, जीरो कूपन बॉन्ड, क्योंकि इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता। पूछेगा व्हाई इट इज जीरो कूपन बॉन्ड, बिकॉज इट डज नॉट कैरी एनी रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब पूछेगा आपसे ट्रेजरी बिल का दूसरा नाम है ये रिस्क फ्री बॉन्ड, व्हाई इट इज रिस्क फ्री बॉन्ड, तो इट इज रिस्क फ्री बॉन्ड बिकॉज इट डज नॉट कैरी द रिस्क, यू हैव टू मेक द पेमेंट, इसका पेमेंट करेंगे मतलब करेंगे, क्यों भाई गवर्नमेंट कर रहा है तो गवर्नमेंट तो पैसा पेमेंट करेगा ही, तो इसे क्या होता है रिस्क फ्री। अच्छा व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ ट्रेजरी बिल्स, 25,000 रुपये इसका मिनिमम अमाउंट होता है, और ये सब एक साल से ये जितना ट्रेजरी बिल। अच्छा अब बताइए कमर्शियल पेपर, कमर्शियल बिल कौन बनाता है, एक कस्टमर दूसरा कस्टमर। कमर्शियल पेपर कौन बनाता है, कंपनीज कौन बनाते हैं बताइए, और पहली बार कमर्शियल पेपर कब शुरू हुआ था, 1990। और जो सर्टिफिकेट हम लोग जमा करते हैं पैसा जमा करने के लिए उसको क्या बोलते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। यस और नो गाइस, थैंक यू सो मच। देखिए